ये हमारा पावरफुल पावर रिपर आरबीडी का, इसे आप बिना पैसे के एक एक कोना, एक एक खेत, एक एक गांव, एक एक तालुका में आप मंगवा सकते हैं। दुनिया की नंबर वन कंपनी मान के चले, भारत की तो है ही है, दुनिया की नंबर वन कंपनी ग्रीस कॉटन कंपनी, जो भारत की आजादी से पहले से, भारत की आजादी 100 साल पहले 1859 से अपनी काम कर रही है, उस कंपनी का इंजन के साथ में हम आपको ये मशीन आपको मजबूती के साथ में प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसान भाइयों, इतना मजबूत टायर टीवीएस कंपनी के साथ में आपको कहीं नहीं, इतना मजबूत पावर रिपर आपको भारत में कहीं किसी भी कंपनी के द्वारा नहीं मिलेगा। ऐसी सर्विस, ऐसी क्वालिटी, ऐसी बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार और मैं आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आरबीडी का पावर रिपर, जो डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में मौजूद है किसानों के लिए। अच्छा, ये बताएं कि ये मशीन है जी, मैंने ऐसी मशीन में, दोस्तों आपके सामने बता रहा हूँ, आपने वो मेरी वीडियो देखा होगा, ऐसी मजबूत पावर रिपर मैंने कभी नहीं देखा है। पहले मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या बिल्ड क्वालिटी इसके। सतेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम किसानों के लिए क्वालिटी और सर्विस पे आरबीडी का पूरा पूरा फोकस रहता है, क्वालिटी और सर्विस पे। इसमें जो आप एक एक लोहा जो यूज किया है वो टाटा स्टील का यूज किया हुआ है। अच्छा, ब्लेड से लेके आप आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा टाटा स्टील है। बाकायदा हर एक मशीन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा टाटा स्टील का। कि क्वालिटी में आपको बता देता हूँ, इसका ये वाला लोहा देख लीजिए आप, कितनी आराम से इस पे खड़े हो जाइए, कोई तकलीफ नहीं है मशीन में, सालों साल चलना, एक बार खरीदना है और सालों साल चलना। आप किसी भी प्रकार की फसल कटाई करनी हो, आपका गेहूं हो गया, आपका जौ हो गया, आपका धान हो गया, आपका रजका हो गया, आपका बरसीन हो गया, आपका चना हो गया, आपका सरसों हो गया, आपका ज्वार हो गया, आपका बाजरा हो गया, आपका हरा चारा जो भी चरी जिसे बोलते हैं पशुओं के लिए, वो सब भी वो कोई भी इस मशीन को यूज कर सकता है बड़े आसानी से। फॉरवर्ड रिवर्स दोनों तरीके के इसमें गियर दिए, आगे लेना हो, पीछे लेना हो, मशीन को दाएं लेना हो, बाएं लेना हो, प्रॉपर तरीके से पूरा इसमें हर एक चीज इसमें बिल्कुल इजी तरीके से ऑपरेशन इसमें दिया गया है किसान भाइयों। तो दोस्तों, आपने देखा कि लोहे के बारे में भूपेंद्र जी ने बताया, एक मजबूत लोहा है, मैंने खुद से देखा है, ये मजबूत चीज है ना, आपको टाटा स्टील में ही देखने को मिल सकती है। अब आप मेरे को इंजन के बारे में बताएं, इंजन की बेस्ट क्वालिटी है। सतेंद्र जी, बताना चाहूंगा, जिस कंपनी का इंजन लगा रखा ना, वो भारत की आजादी से पहले की कंपनी है, 1859 की कंपनी है ग्रीस कॉटन, उसका अपन इंजन यूज कर रहे हैं। ISI मार्का का इंजन है, पूरा मेड इन इंडिया, आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। हर एक इंजन पे एक सीरियल नंबर अलग तरीके से आता है, ISI मार्का का है, इस कंपनी का एड्रेस है ग्रीस कॉटन, और आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से इंजन। डीजल इंजन है, और डीजल इंजन मतलब मजबूती, हाई टॉर्क। आज तक आपने देखा होगा कि ट्रक आज तक पेट्रोल में क्यों नहीं बने, डीजल में ही क्यों है, उसका एक ही रीजन है, डीजल का हाई टॉर्क। हाई टॉर्क का मतलब हाई पावर। फ्यूल कंजप्शन बता देता हूं मैं आपको, एक घंटे में किसान भाइयों, एक घंटे में 750 ml से, 0.25 लीटर से लेके 1 लीटर के बीच में आपको ये मशीन 1 एकड़ तक पूरा कटाई करके देगा। चाहे बाजरा कटाई करना हो, चाहे गेहूं कटाई करना हो, चाहे ज्वार कटाई करना हो, चाहे जो कटाई, किसी भी फसल की आप कटाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो जिस कंपनी का इंजन लगा हुआ है मशीन के अंदर ग्रीस कॉटन, इसका 5 HP का डीजल इंजन लगा हुआ, 5 HP। किसान भाई, बताना चाहूंगा, ये वाला इंजन आप जो प्याजो 3 पहिये वाला जो टेम्पो 3 व्हीलर आता है उसमें यही इंजन आता है किसान भाइयों, जो 10 सवारियां 10 पैसेंजर आपको पहाड़ी पे भी लेके आपका चला जाता है। अच्छा, वही इंजन है 5 HP का, हाई पावरफुल। इसका हाई पावरफुल है, इसमें 3 कन्वेयर बेल्ट दिए, 3 कन्वेयर बेल्ट इसलिए दिए गए हैं 5 HP के इंजन के साथ में, 8 फीट से 9 फीट तक की फसल बाजरा ज्वार आप आसानी से कटाई कर सके, और वो सिर्फ एक इंजन में हो सकता है, सिर्फ 5 HP के ग्रीस कॉटन के इंजन में, और किसी इंजन के बस की बात नहीं है कि 3 कन्वेयर का बेल्ट खींच पाए, कटाई कर पाए, मतलब 5 HP होने के बावजूद। बिल्कुल, वाह जी क्या बात है। किसान भाइयों, अब बात करेंगे अपन टायर की। मशीन के अंदर टायर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे गाड़ी के अंदर टायर होता है, मजबूती का काम करता है, उसी तरीके से मशीन का एक बहुत बड़ा पार्ट है टायर। किसान भाइयों, टायर यूज करते हैं टीवीएस का यूरो ग्रिप। टीवीएस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और टीवीएस कंपनी का ही आप देख सकते हैं यूरो ग्रिप टायर अपन यूज कर सकते हैं, जो एक तरीके से ट्रैक्टर की टायर में डिजाइन है। उसका रीजन ये है कि खेतों में बैठे नहीं कहीं भी, जैसे धान का कटाई होता है तो धान की कटाई में क्या है कि नमी होता है, दलदल होता है, उसमें बैठता नहीं है, टायर काटता हुआ आगे कटाई करके निकल जाता है। इसीलिए ग्रिप, और आप ग्रिप देख सकते हैं मशीन की, ग्रिप के बीच में गैप कम रखा है, ग्रिप छोटा रखा है ताकि काटते हुए मिट्टी को आगे निकलता रहे, इजी तरीके चलता रहे, चाहे बूढ़ा बालू रेत होती है, बीकानेर में बहुत बालू रेत है, रेगिस्तान राजस्थान में, या अपन पहाड़ों में अपन चले तो पत्थर होते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप इसको आसानी से कटाई कर सकते हैं इन टायर की मदद से। ये सर ट्यूबलेस टायर है, ट्यूब वाला टायर है? ये टायर आपका ट्यूब के साथ में है। ट्यूब के साथ में? जी सर, ट्यूब के साथ में टायर है, ताकि क्या गाँव में से ट्यूबलेस टायर पे पंचर निकलते नहीं है इजिली, इसीलिए ट्यूब वाला टायर दिया ताकि आसानी से कहीं एक बार हो भी जाए पंचर तो एक बार इजी तरीके से निकल लो आप। पंचर कहीं भी निकल जाए, बिल्कुल जी, जी, बात जी, की आपने। अच्छा अब मैं इसकी बेल्ट के बारे में, चैन के बारे में जानना चाहूंगा, ये सिस्टम लगा रखा है, इसकी मजबूती कितनी अच्छी है? देखो अब आते हैं अपन फ्रंट रिपर के ऊपर सर। जी हमने इस पे 3 कन्वेयर बेल्ट लगाए सर, 1, 2 और 3। इसका ये जो कन्वेयर बेल्ट है नाइलॉन है सर, वर्जन नाइलॉन, ये कोई रिसाइकल यूज किया हुआ ना तो ये लंग्स है ना ये इसका कन्वेयर बेल्ट है। अच्छा, ये पूरा प्रॉपर वर्जन, पूरा प्रॉपर फ्रेश है सर। वर्जन मतलब फर्स्ट? नहीं, फर्स्ट, कोई रिसाइकलिंग चीज नहीं है। ये भी फर्स्ट दाने का, ये भी फर्स्ट दाने का, ये भी पूरा प्रॉपर तरीके से। इसकी जो चौड़ाई है आगे से मशीन का वो 4.25 फीट है। कटाई करेगा 4 फीट में, कटाई करते हुए आपका निकलता जाएगा, चलता जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। किसान भाइयों इसमें जो ब्लेड लगी हुई टाटा स्टील की लगी हुई है, और जो ब्लेड को कवर करके जो फिंगर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फिंगर है, ये फिंगर बहुत ही हैवी क्वालिटी के बनाए गए हैं, जर्मन है सर ये। अच्छा, पूरा SS MS दोनों मिक्स है इसके। उपेंद्र जी क्या काम आता है इसके फिंगर का? ये फिंगर का काम है जो फसल होता है उसको कटाई करने के महत्वपूर्ण उपयोग होता है ब्लेड का सपोर्टर। जैसे आप मान सकते हैं कि गाड़ी का इंजन जिस तरीके से पार्ट होता है चलाने के लिए, उतने महत्वपूर्ण टायर होते हैं, उसी तरीके से ये ब्लेड है जो इसको मजबूती के साथ में, इसको कटाई करने में, फिनिशिंग से कटाई करने के साथ साथ में, जिसको काटता हुआ प्रॉपर तरीके छोड़ता नहीं है बिल्कुल कुछ भी। अच्छा अच्छा जी, सपोर्ट हो गया एक तरीके से ही मान के चलो इसका। ये प्रॉपर तरीके से फिंगर है, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यूज किया हुआ है सर हमने, सालों साल चलना है आपके। ये आप देख सकते हैं सर प्रॉपर तरीके से, ये फिंगर पूरे टाटा स्टील का ही ब्लेड है सर। ये जो फिंगर है किसान भाई, ये फिंगर 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक आते हैं एक फिंगर, लेकिन हमने इसमें 500 रुपए वाला यूज किया, हमने 100 रुपए वाला यूज नहीं किया। सतेंद्र जी बताना चाहूंगा कि हम किसान को इस तरीके की क्वालिटी की मशीन प्रोवाइड करवाते हैं कि किसान भाई को ये तो है नहीं कि डेली कोई मशीन लेना है कि हर साल मशीन लेना, हम ये कभी नहीं सोचते, हम भी नहीं चाहते किसान भाई ये साल ले। हम जो मशीन क्वालिटी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो पूरा प्रॉपर तरीके से ऐसा करते हैं कि एक बार मशीन लेने के बाद 7-8 साल उसको कहीं जरूरत नहीं है मशीन की, पूरी प्रॉपर आगे पीछे दाएं बाएं सब तरीके से क्वालिटी मेंटेन करके अपन पूरा प्रॉपर तरीके से चलते हैं। टायर ले लो, इंजन ले लो, इसका टाटा स्टील का लोहा ले लो, चाहे आप कन्वेयर बेल्ट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे टायर लो, गियर ले लो, कुछ भी ले लो, पूरा प्रॉपर तरीके से बढ़िया क्वालिटी मेंटेन के साथ में हम आगे चलते हैं, क्योंकि एक ही है RBD, द ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत का विश्वास RBD, इसीलिए हम किसी का विश्वास तोड़ते नहीं है। क्वालिटी पे पूरा प्रॉपर तरीके से फोकस रहता है, और पूरा प्रॉपर तरीके से, पूरा प्रॉपर तरीके से सर्विस पे फोकस रहता है हमारा। भूपिंदर जी ये बताओ, इतनी बड़ी मशीन इतनी बेस्ट तरीके से आपने बनाई है, किसानों के लिए डिजाइन करवाया है, सारा एक मेरे को टॉप सिस्टम लगाई है, तो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं थोड़ा वो बताए ताकि मेरे किसान भाई इसको आसानी से समझ सके। सतेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मशीन को यूज करना बहुत ही आसान है, इसको महिलाएं बच्चे आराम से यूज कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके बता देता हूँ कि किस तरीके से मशीन को उपयोग में लेना होता है। जी एक तो होता है रिकॉइल स्टार्टर जिसके ऊपर कवर लगा होता है, रस्सी खींचते स्टार्ट करते सब, वो थोड़े टाइम बाद में स्प्रिंग खराब हो जाती है, मिलना मुश्किल हो जाता है, कटाई के टाइम है, अब आना जाना 2 दिन का, ये 24 घंटे का टाइम तो कंपनी को चाहिए चाहिए भेजने के लिए। हम इसीलिए रस्सी देते हैं नाइलॉन का, जिसको यदि कभी टूट भी जाए तो आपके गाँव में, आपके आपके घर में भी ये मौजूद रहता है। इसको इस तरीके से आपको डालना है, आपको इस तरीके से डालना है, इसको ऊपर करना है, इसको बोलते हैं अपन प्रेशर, ठोकर, दाब, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। गांव के लोग जानते हैं अपने डीजल इंजन जो होता है पानी वाला, उसमें ऊपर करके स्टार्ट करते हैं, बस यू करके इस तरीके से स्टार्ट करना है इसको बड़े आसानी से। उसके बाद इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कि मशीन ऑपरेटिंग कैसे करना था। इसमें 2 गियर देख रहे हैं आपको, 2 लीवर दिख रहे हैं आपको, आपको किसान भाई 2 लीवर दे रहे हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। जो लेफ्ट वाला लीवर है इसको अपन आगे करेंगे, जब कटाई नहीं करना हो अपने को, घर से खेत में मशीन लेके जाना हो तो आपको ये वाला लीवर काम में लेना है। जी जी, आपको बैक लेना है मशीन, आपको बैक ऐसे करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिक पीछे आता रहेगा। ठीक है, आपको कटाई करना है, कटाई के टाइम आपको ये वाला गियर लगाना है। अच्छा, तो मशीन कटाई करती रहेगी फसलों की, मतलब ये बेल्ट एक्शन में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बैक वापस न्यूट्रल पे करना है, ये न्यूट्रल पे आ गया। किसान भाई को रेस कम ज्यादा, स्पीड कम ज्यादा करनी है, ये एक्सीलेटर दिया गया है कम करने के लिए, और ये आपको ज्यादा करने के लिए। किसान भाई को राइट में लेना है, इसको दबाएंगे लीवर को, राइट में होगी, इस लीवर को दबाएंगे लेफ्ट में होगी। अच्छा, अब किसान भाई मुझसे पूछेंगे कि सर ब्रेक तो है ही नहीं इसमें, आपने गाड़ी की तो पूरी बात कर दी। बिल्कुल किसान भाई, आपको बताना चाहूंगा दोनों को आप दबा देंगे इमरजेंसी में
मशीन आपका वहीं रुक जाएगा, मशीन चलता रहेगा लेकिन मशीन आगे नहीं बढ़ेगा आपका, आगे नहीं बढ़ेगा। इमरजेंसी ब्रेक आप लगाना चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं किसान। अच्छा, इंजन न्यूट्रल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इंजन तो चालू रहेगा सर लेकिन मशीन चलेगा नहीं, वैसे कि वैसे न्यूट्रल खड़ा रहेगा, रन नहीं करेगा मशीन, चालू नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। ये इस तरीके से बहुत ही इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है किसान भाई, ये देखो बैलेंस करके रखा है मशीन को, बिल्कुल एक हाथ से आप इसको बैलेंस कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, हमारे किसान भाई कई बोलते हैं कि सर हम तो इस मशीन को चलाते हैं तो एक हाथ में बीड़ी पीते हैं और एक हाथ में मशीन चलाते हैं, बोले इतना इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। अच्छा ये बताओ, एक घंटे में, एक दिन में कितने एकड़ की कटाई कर सकता है? बिल्कुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पूछी है सत्येंद्र जी आपने कि मशीन की तो पूरी बात हो गई लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कटाई कितना करेगा और किस तरीके से करेगा और कितना खर्चा अपने आएगा। जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक घंटे में 750 ml से लेके 1 लीटर तक इसका फ्यूल कंजेप्शन रहेगा। ठीक है, ये एक एकड़ तक कटाई करेगा किसान भाइयों, एक एकड़ का मतलब आप मान के चलो कि अपन यदि गवर्नमेंट का टाइम भी माने तो 8 घंटे काम करता है आदमी। जी जी, तो 8 एकड़ तक आप कटाई कर सकते हैं, लगभग 30 बीघा कटाई कर लेगा, 30 बीघा तक आप इसमें आराम से कटाई कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जब जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ मैंने किसान भाइयों से सुना है कि एक बीघे का खर्चा 2500 रुपए है, 2500 रुपए एक, ऐसा नहीं है कि किसान भाई मजदूर को पैसा देना नहीं चाहता या मजदूर से काम करवा, किसान भाई पहले भी करवाता था, अपने भाइयों से ही काम करना चाहता लेकिन मजदूर आजकल टाइम टू टाइम मिल नहीं पाते हैं और जिस फसल को बेटे की तरफ पालते हैं 6 महीने के लिए और कटाई के टाइम नुकसान होता है, बर्बाद हो जाती है फसल की, कटाई कैसे करें, मजदूर मिल नहीं पाते हैं, तो उस कारण ई मशीनों का सहायता लेना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही बात बताता हूँ कि लोग पढ़ेंगे तो मजदूरी नहीं करेंगे, शिक्षा लेंगे तो अच्छा काम करेंगे, तो अच्छा काम करेंगे तो आप शिक्षा अपने लिए तो आप मशीनों पे आइए, समय और पैसा आप दोनों बचाइए, मैं तो आपको दोनों एक ही चीज बोलना चाहूंगा आपको। जी अच्छा भूपेंद्र जी, जानना चाहूंगा मैं जी, आपने बताया एक घंटे में एक एकड़ की कटाई कर लेगा, बिल्कुल, और लगभग 2 से 2500 रुपए हर जगह लगभग इसका खर्चा माना जाता है, बिल्कुल। और एक घंटे में आपने बताया कि 1 लीटर के मैक्सिमम 1 लीटर तेल पिएगा जी, 85 रुपए में कटाई हो जाएगी। जी जी जी, तो मतलब किसान 2 से 2500 रुपए आसानी से कमा सकता है अगर किसी और खेत में कटिंग करना चाहे तो। सर 2 से 2500 तो एक बीघा का है, किसान चाहे तो 20,000 रुपए पर डे कमाई कर सकता है, वो एक सीजन आता है जिसमें आदमी आराम से कटाई वटाई चलती है। जी जी, एक एरिया में लगभग 1 महीने के लिए कटाई चलती है, उसमें आप पर डे 20,000 रुपए आराम से इजी तरीके से बहुत कम में काम करके भी आप आराम से कमा सकते। कोई थकान भी इसको चलाने में नहीं? आराम से, कोई थकान नहीं, इजी ऑपरेशन, आपको कोई धक्का नहीं देना ना मशीन के, गियर है मशीन खुद गियर से आगे चलेगी। हाँ, गियर ही चलेगा, पीछे पीछे उसको पीछे बस इतना सा काम आपको ऑपरेट बस पकड़ के रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा मैं अब जानना चाहूंगा इसमें क्या कोई सब्सिडी वगैरह, किसानों आपने बताया था सब्सिडी भी मिलती है? बिल्कुल, और आप फाइनेंस का भी करवाते हैं, मतलब फ्री में किसान इसको ले सकता है? ले सकता है। वो क्या तरीका है मैं बता देता हूँ, लगभग अलग अलग राज्य में अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है, कहीं 40% है, कहीं 50% है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग है। वो पूरी प्रक्रिया हमारी सब्सिडी की एक टीम है, वो बैठ के हम लोग पूरा सब कुछ चीज़ें हम समझाते हैं किस तरीके से आपको सब्सिडी मिलेगी, क्या प्रक्रियाएं रहती है, किस तरीके से अप्लाई करना होता है, वो सारा प्रॉपर तरीके से हम बताते हैं। प्लस हमारे फाइनेंस की जो टीम है वो प्रॉपर तरीके से सिविल चेक होता है, जो भी प्रक्रिया है जिस भी बैंक से हम फाइनेंस करवाते हैं वो प्रॉपर तरीके से, इसमें होता है 40% आपको देना होता है और बाकी आपका पैसा फाइनेंस हो जाएगा और 40% आपको सब्सिडी मिल रहा है, समझ रहे हैं किसान भाइयों, 40% आपको सब्सिडी मिल रहा है और 40% डाउन पेमेंट देना, तो डाउन पेमेंट आपका सब्सिडी के अमाउंट से आता है और बाकी पैसा आपका फाइनेंस हो जाएगा। फाइनेंस हो जाएगा जी किसान भाई, मतलब मशीन फ्री में हो गई, मशीन फ्री में ले सकते हैं आप एक तरीके से। बिल्कुल जी, ठीक है। भूपेंद्र जी मैं इसका प्राइस जानना चाहूंगा, इतनी मजबूत चीज आपने बनाई है, इसका प्राइस कितना रखा है? सत्येंद्र जी बताना चाहूंगा, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि लोहे का दाम ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम यदि बढ़ता है तो ही बढ़ाते हैं, यदि नहीं बढ़ता तो हम किसान भाई से जितना कम होना चाहे उतना ही पैसा लेते हैं जितनी कॉस्टिंग होती है, हम ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहते सत्येंद्र जी, इसलिए प्राइस हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी ऊपर हो जाता है लोहे का दाम, कभी नीचे हो जाता है, तो आपके लिए कंफ्यूज क्रिएट नहीं हो आप पूरी तरीके से, तो आप जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे उस पर फोन करके प्राइसिंग और मशीन किस तरीके से मशीन आपके पास में पहुंचेगी, क्या गारंटी वारंटी रहती है, सब जानकारी आपको मिलेगी। बाकी बता देता हूँ कि आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का माल, आप 1 रुपए का माल लेंगे तो भी आपका किराए का पैसा नहीं लगेगा, तो 5 लाख का माल लेंगे तो भी आपका पैसा नहीं लगेगा, आरबीडी की सर्विस है। बाकी मशीन की 2 साल की पूरी आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा वारंटी। अच्छा मैं पूछना चाहूंगा इसकी, मतलब डोर अवेलेबल है, दो स्टेप, मतलब कहाँ तक आप घर तक भेजते हैं या फिर भेजते हैं? सतेंद्र जी बताना चाहूंगा कि मशीन अब बिल्कुल घर तक पहुंचेंगे। अच्छा जी, पैसा भी घर पहुंचने के बाद में आपको देना रहेगा।
अच्छा, घर पहुंचने के बाद पैसा देना? बिल्कुल, पैसा बुकिंग करवाने के बाद, पैसा भी घर पहुंचने के बाद आपको मशीन का देना रहेगा, देना पड़ेगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने अपनी तरफ से जो सवाल थे सारे पूछ लिए हैं। अगर आपके जहन में कुछ और सवाल बाकी रह गया तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ आप कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं, इस मशीन को खरीद सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशहाल किसान रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा।